सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर वंस अगेन विद अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पिछला न्यूमेरिकल जो हम दोनों सॉल्व किया था वो सिंगल फेज के लिए था। अब हम एक और न्यूमेरिकल लेके आते हैं जिसको हम थ्री फेज के लिए सॉल्व करेंगे। सो वी हैव ए न्यूमेरिकल इन विच अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्स 50 किलो वॉट 3 फेज इंडक्शन मोटर वॉज गिवन विच विल रन एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैग एट एन एफिशंसी ऑफ 85%। वी नीड टू फाइंड द कैपेसिटेंस पर फेज फॉर बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम टू इम्प्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर टू 0.95 लैग। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, एंड बेसिकली हमको कहा गया है कि हमको कैपेसिटर बैंक जो हम यूज़ करेंगे उसको जो कैपेसिटेंस है हम पर फेज हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोनों ही केस स्टार एंड डेल्टा के लिए। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने ये चीज़ ऑलरेडी जब हम प्रीवियसली हमने जब थ्री फेज स्टैटिक कंडेंसर पढ़ा था, हमने स्टैटिक कैपेसिटर पढ़ा था, हमने तब भी ये डायग्राम्स ड्रॉ करे थे। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूमेरिकल वी वंस अगेन डिस्कस कि कैसे चीज़ें कनेक्शन होंगी। सपोज वी हैव डेल्टा कनेक्शन फर्स्ट, कनेक्शन वही होगा, हर एक लाइन से आपको एक एंड ज्वाइन करना है। ओके, दिस विल बी द फेज कैपेसिटर सी जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। दिस इज वी पी एंड दिस इज वी। नाउ व्हाट आर द गिवन कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट हमें गिवन है ऑलरेडी सिस्टम में। पहले हम गिवन देखते हैं। वी आर गिवन दैट कि हमारा जो लाइन वोल्टेज है दैट इज 400 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है सिस्टम में 50 हर्ट्स। थ्री फेज इंडक्शन मोटर से क्लियरली गिवन है। इनिशियली जो हमारा पावर फैक्टर था दैट इज फाइव वन इज 0.8 लैग। ये वो पावर फैक्टर था जो हमारे कैपेसिटर बैंक ऐड करने के पहले सिस्टम का था जिसे हमें अब इम्प्रूव करना है। एट दैट टाइम जो एफिशिएंसी थी बस 85% एफिशिएंसी सिस्टम वर्क कर रहा था। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटर बैंक जो नया पावर फैक्टर हमको चाहिए उसकी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं 5:2, वो आएगी 0.95 लैग। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर डेल्टा पर फेज एंड कैपेसिटेंस फॉर स्टार पर फेज। हमें ये दोनों ही क्वांटिटीज फाइंड करनी। हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले ही पढ़ा था, जो सिंगल फेज में एप्लीकेबल है वो थ्री फेज में भी एप्लीकेबल रहेगा। हमारा सिंगल फेज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था हमारा सी इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन वी स्क्वायर ओमेगा। इसको अब जब हम लोग स्टार डेल्टा में बात करेंगे तो फॉर डेल्टा इज सी डेल्टा पर फेज इज क्यू सी पर फेज। ओके, वी वोल्टेज ऑफ विद फेज एंड ओमेगा इट विल कन्वर्टेड टू दिस फॉर्मूला। ओके, हमारे पास वी फेज क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, वी लाइन क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। वी विल कैलकुलेट वी फेज। ओमेगा इज कॉन्स्टेंट 2 पाई f फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, क्यू सी फेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बोथ द कैपेसिटेंस हमें पहले क्यू सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। रिएक्टिव पावर जो हमारा कैपेसिटर बैंक सप्लाई करेगा हमें पहले वो कैलकुलेट करना है। ओके, अगेन जो क्यू सी का फॉर्मूला सिंगल फेज में एप्लीकेबल था वही हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो वी नो डैट क्यू सी इज वॉट पी 10 फाइव 1 माइनस 10 फाइव 2। पी इज वॉट पी इनपुट। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर हमारे जो क्यू सी की वैल्यू है हमको उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे पर फेस। हमें 5 1 5 2 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है क्वेश्चन में, हमें कॉस 5 1 और कॉस 5 2 की वैल्यू गिवन है। हम इसका यूज कर 5 1 5 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पी इनपुट नहीं गिवन है बट एफिशिएंसी गिवन है। तो पहले इन तीनों ही वैल्यू पी इनपुट 5 1 और 5 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इन तीनों को इसमें सब्सटीट्यूट अल्टीमेटली हम कर देंगे। ओके, नाउ वी आर गिवन दैट एफिशिएंसी इज वॉट 85%। सो वी कैन राइट डाउन दैट 85% इज इक्वल्स टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। पी आउटपुट क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है हमें, जो हमारी मोटर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो 50 किलोवाट की है। तो पी आउटपुट जो है आपका इट इज ऑलरेडी गिवन 50 किलोवाट। ठीक है, नाउ टू द पावर जो पी आउटपुट गिवन है वो थ्री फेज पावर है। पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल फेज में। तो
पी आउटपुट पर फेज विल बी 50,000, दैट मीन्स 15 × 10³ होल डिवाइडेड बाई 3। ओके, इसकी वैल्यू हम आपस से इस इक्वेशन सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको मिलेगा पी इनपुट इज इक्वल्स टू पी आउटपुट हमारा आएगा 50 × 10³ डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। इसके बाद जो आपको पर फेस पी इनपुट मिलेगा दैट विल बी 19.61 वॉट। दिस इज पी इनपुट पर फेस। ओके, तो मैं फर्स्ट पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है वो है इनपुट पावर कितना रहेगा। नाउ दो पैरामीटर और बचते हैं। पहला पैरामीटर हमको निकालना है फाइव वन एंड उसके बाद हमको निकालना है फाइव टू। ठीक है, हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि कॉस फाइव वन दैट इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज 0.8। सो फाइव वन इज वॉट कॉस इनवर्स 0.8। सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट इज 36.87 डिग्री। हमने एक और पैरामीटर फाइंड कर लिया है फाइव वन। सिमिलरली हम फाइव टू भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि जो इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर है जो रिक्वायर्ड हमारे उसमें दैट इज 0.95। अगेन पाई टू अगर हम फाइंड करते हैं दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.95। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे इट विल बी कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। नाउ हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है। हम तीनों का सब्सटीट्यूट करते हैं क्यूसी के इक्वेशन में। सो क्यूसी विल बिकम पी इनपुट पर फेस दैट इज 19.61 टेन ऑफ फाइव वन 36.87 डिग्री माइनस टेन ऑफ फाइव टू दैट इज 18.19 डिग्री। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन जब आप हम पी वन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर चुके हैं, सबकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर चुके हैं, जो आपकी वैल्यू आएगी क्यूसी की दैट इज 8.262 वॉट। तो हमने एक और पैरामीटर क्यूसी वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ आफ्टर वैल्यू फाइंडिंग वैल्यू ऑफ क्यूसी हमारा जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी कि हमको कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी थी इट विल बिकम वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैरामीटर। हम पहला कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर डेल्टा। ओके, फॉर डेल्टा कनेक्शन फाइंड करते हैं तो सी डेल्टा पर फेज जो हम निकालेंगे दैट विल बी क्यूसी पर फेस जो इनपुट साइड का है अपॉन, सिंस डेल्टा है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहता है तो वी कैन डायरेक्टली राइट वी एल होल स्क्वायर ओमेगा इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50। क्यूसी की वैल्यू पुट करते हैं व्हाट इज क्यूसी इट इज 8.262। वी एल की वैल्यू कितनी थी हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 400 वोल्ट। 400 का स्क्वायर 2 पाई 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आप वैल्यू पुट के सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 164.36 माइक्रो फैराड। दिस इज आवर फर्स्ट कैपेसिटर वैल्यू। ये किस केस में है? ये डेल्टा के केस में। सिमिलरली सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सेम प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं अब स्टार के लिए। जब हम स्टार के लिए बात करेंगे फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सिर्फ जो और एक चीज बदलेगी वो क्या है? वो है आपका वोल्टेज। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहते हैं बट स्टार में नहीं रहते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज रहेगा इट विल बिकम 400/√3 होल स्क्वायर ओमेगा। बाकी सारी वैल्यू पुट करते हैं दैट इज क्यूसी की वैल्यू थी 8.262 √3 का स्क्वायर करके ऊपर आएगा तो इट विल बिकम 3 टाइम्स 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई × 50। जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा आपका दैट इज 493.1 माइक्रो फैरेड। दिस इज फॉर स्टार। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डेल्टा के केस में और स्टार के केस में। हमें फॉर्मूले याद रखने हैं कि जो हमने सिंगल फेस के लिए यूज करे थे हम सेम वापस से थ्री फेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी डिफरेंस इज कि आपको अपना पावर जो थ्री फेस के लिए था
उसको पहले कन्वर्ट करना है सिंगल फेस में, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम।